हर हर महादेव। बीकानेर राजस्थान से शांडिल्य गोत्रीय रवि पुरोहित जी हैं, इनका प्रश्न है कि गुरुवर यज्ञोपवीत धारण से संबंधित जानकारी दीजिए कि नूतन यज्ञोपवीत कब धारण करना चाहिए, किन किन परिस्थिति में यज्ञोपवीत बदलना चाहिए तथा रत क्रिया में यज्ञोपवीत धारण करने के क्या नियम है। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि यज्ञोपवीत कब बदले, कि सूतके मृतके चैव गते मास चतुष्टये नव यज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि संत्यजे जीर्णानि चत्यजे, ये मंत्र है। इसका एक पाठ भेद भी है कि सूतके मृतके चैव गते मास चतुष्टये त्रुटते चोद्धृते देहान नूतनम धारये द्विजः। बोले सूतके जनना शौच होने पर या मरना शौच होने पर, अपने परिवार में जनना शौच, कोई बालक की उत्पत्ति होती है तो फिर 10 दिन बाद 11वें दिन यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। इसी प्रकार मृत्यु के बाद कोई परिवार में मृत्यु होती है तब भी 10 दिन के बाद 11वें दिन यज्ञोपवीत बदलने का विधान है। और गते मास चतुष्टये, 4 महीने निकल गए हैं तो उसके बाद भी यज्ञोपवीत बदलना चाहिए, भले ही कुछ भी कारण नहीं बना फिर भी 4 महीने बाद तो बदलना ही है। और त्रुटते, यदि यज्ञोपवीत टूट गया, कहीं से कोई भंग हो गया, तब भी यज्ञोपवीत बदला जाए। और चोद्धृते, अगर वो निकल गया है, लिखा हुआ है कि गर्दन में से भी निकल जाए और भुजा के नीचे वहां से भी निकल जाए, इससे केवल बाह में भी आ जाए, तब भी यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। जहां सभ्यापसभ्य करने के लिए लिखा है वहां जो है शिरोमार्ग से नहीं निकाला जाता, शिर से निकल गया फिर भले ही भुजा में पड़ा हुआ है फिर भी जो है बदलने योग्य है। उद्धृते देहात, तो नूतनम धारये द्विजः, नव यज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि च संत्यजे। जीर्ण यज्ञोपवीत का जो है त्याग हो जाता है। लिखा है कि उतारते समय भी एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। यज्ञोपवीत को पहले माला की तरह धारण कर ले, है ना, फिर नया यज्ञोपवीत धारण करे, जो पुराना उतारना है तो उसको कैसे उतारे ये बतला रहे हैं कि पहले माला की तरह ऐसे ही गले में कर ले, नया यज्ञोपवीत धारण कर ले और इस वाले को पुराने वाले को और पीछे से शिरो मार्ग से ऐसे निकाल दिया जाए और ये मंत्र पढ़ा जाता है जो अभी मैंने बोला था। जीर्ण यज्ञोपवीतम शिरो मार्गे निसार्य और सलिले क्षिपे, लिखा रहता पद्धति ग्रंथों में, उसको किसी जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। पश्चात यथाशक्ति गायत्री जपम कृत्वा, उसके बाद यथाशक्ति नूतन यज्ञोपवीत धारणांग गायत्री जप करना चाहिए। वैसे यज्ञोपवीत अगर लिखा हुआ है कि मूत्रे तो दक्षिणे करणे, मूत्रावस्था में मूत्र विसर्जन करते समय दाहिने कान पर चढ़ाना चाहिए, पुरुषे वामकर्ण के, और मल त्याग करते समय बाएं कान पर भी लाना चाहिए, दाएं कान से ले जा करके और बाएं कान पर भी लाना चाहिए। तो यज्ञोपवीत को पहले तो निकाले, देखिए कान पर कैसे चढ़ाए मल त्याग करते समय, तो पहले तो यज्ञोपवीत को दाएं हाथ से निकाल करके माला की तरह करिए, फिर इधर वाला पकड़ करके बाएं कान पर, दाएं कान पर चढ़ाइए 3 बार, और फिर शिरोमार्ग से ला करके बाएं कान पे भी घुमा दीजिए, बस यहीं तक रह जाएगा, इसमें नहीं पड़ा रहेगा नीचे, तब जाना चाहिए। कह रहे हैं कि मूत्रे तो दक्षिणे करने पुरुषे वाम करण के उपवीतम सदा धार्यम मैथुने तूपवीतिवत,
अब आपने पूछा था कि ये रति क्रिया में कैसे धारण करें, तो कहते मैथुने तु उपवीतवत्। मैथुना अवस्था में माला की तरह धारण कर ले, बहुत लंबा रहता है तो उसको डबल कर लेते हैं और पीछे पृष्ठ भाग में गिरा लेना चाहिए। तो वो यज्ञ फिर उसकी शुद्धि भी बतलाई गई है कि जो शुद्धि है ना, मूत्र शौचम समाख्यातम मैथुने दुर्गुणम स्मृतम एकालिंगे तो सभ्येत्री उभयोर्मृद्वयम स्मृतम, मूत्र शौचम समाख्यातम मैथुने तो दुर्गुणम स्मृतम। मैथुन रति क्रिया के बाद एक बार लिंग में मिट्टी लगाए और बाएं हाथ में तीन बार मिट्टी लगा करके धोए और दोनों हाथों में उभयोर्मृद्वयम स्मृतम, दोनों में दो बार मिट्टी लगा करके खूब हाथों को धोए और आठ कुल्ले करे, क्योंकि मूत्र में जो है चार कुल्ले का है ना मूत्र विसर्जन के बाद, तो द्विगुणम मैथुनम स्मृतम। तो ये जो है ये जो कार्य है ये तो मूत्र के बाद है, तो ये दूना मैथुन में हो जाएगा, अर्थात चार कुल्ले की जगह पे आठ कुल्ले, एक बार लिंग में मिट्टी लगाना है तो मैथुन के बाद दो बार लगानी है, बाएं हाथ में जो है मूत्र के बाद तीन बार मिट्टी लगानी है तो मैथुन के बाद छह बार लगानी है, और दोनों हाथों में मूत्र के बाद जो है फिर दो बार लिखा है तो मैथुन दुगुणम, तो चार बार मिट्टी से हाथ मटियाए, फिर अच्छी तरीके से धोए, भगवत चिंतन करे, तो फिर यज्ञोपवीत को जैसे यज्ञोपवीत धारण किया जाता है वैसे धारण करे और आचमन करे। ये जो है उसकी विधि है। और यदि कोई बिना यज्ञोपवीत धारण किए ही मलमूत्र त्याग कर देता है तो यज्ञोपवीत तो खंडित हो ही जाता है। और क्या हो जाता है, देखिए कि बिना यज्ञोपवीतेन बिन मूत्रोत्सर्ग कृत यदि उपवास द्वयम कृत्वा दानैर होमैस्तु शुद्ध्यति। बिना यज्ञोपवीत धारण किए यज्ञोपवीत है ही नहीं, है ना, ये यहां बात वो चल रही है यज्ञोपवीत ही नहीं है और मलमूत्र त्याग कर दिया, यज्ञोपवीत टूट गया था निकाल दिया हटा दिया, बहुत दिनों से पहना ही नहीं यज्ञोपवीत, किसी कारण बस आप भूल गए कान पर नहीं चढ़ा पाया, तो फिर आप उसका जो है दोबारा यज्ञोपवीत धारण करिए, ये है। और परंतु यज्ञोपवीत ही नहीं है धारण क्या करें, तो वो लोग उनके लिए बताया गया है कि बिना यज्ञोपवीत से कोई मलमूत्र का त्याग कर देता है तो एक बार अगर कोई मूत्र कर आया यज्ञोपवीत नहीं था टूट गया तो उसको दो बार व्रत करना चाहिए, दो दिन तक व्रत, उपवास द्वयम कृत्वा, व्रत नहीं लिखा है उपवास। उपवास कहते हैं कि पूरे दिन कुछ खाना ही पीना नहीं है, केवल एक बार जल पी सकते हो बस, उसका नाम उपवास है। तो दो दिन करना पड़ेगा और फिर भी दान और होम करने के बाद तब उसकी शुद्धि होती है। अब बहुत से लोगों का यज्ञोपवीत ही नहीं हुआ है, हो ही गया तो अब डाल ही नहीं रहे, उनकी क्या स्थिति होगी इसे समझ लेना। इसलिए यहां तक लिखा हुआ है कि जो हाथ, अब मिट्टी की बात कर रहे थे, कोई कहे भाई इतनी मिट्टी लगानी है क्या करना है क्या होना, जो मिट्टी से हाथ नहीं धोते, ठीक है ना, जो दांतों को शुद्ध साफ नहीं करते हैं, जो लघुशंका करने के बाद पैर नहीं धोते हैं, ठंडी पड़ रही है पैर कौन धोए, तो लिखा है कि यज्ञोपवीत तो खंडित होगा ही, वो संस्कार भी खंडित हो गया, दोबारा यज्ञोपवीत कराना पड़ेगा उसको। ध्यान से सुनना ये बात, कोई उड़नचू बात नहीं है, शास्त्रों की बात है। देखिए कि दंत शुद्धिम बिना यो ही, जो दंत शुद्धि नहीं करता पाद प्रक्षालनम बिना, है ना, जो लघुशंका के बाद पैर नहीं धोता और भूंगते ही स नरह सम्यक, और भोजन तो करता ही है, भोजन कर लेता है, तो पुनः संस्कार अर्हति, पुनः संस्कार अर्हति, फिर उसको दोबारा संस्कार करवाना चाहिए। इसलिए हस्त शुद्धि कितनी आवश्यक है, दंत शुद्धि कितनी आवश्यक है, पाद प्रक्षालन कितना आवश्यक है, ये सब हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है। इसलिए ये सब नियमों का पालन करना है। अर्थात यज्ञोपवीत, एक बात और बतला दें कि यज्ञोपवीत बदलने के कुछ कारण और हैं इसमें, जैसे अगर ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है
तब भी उसके बाद यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। एक दूसरा श्रावणी, जिस दिन श्रावणी होती है उपाकर्म, उपाकर्म के बाद भी यज्ञोपवीत बदलने का विधान है। और होली के बाद, होली पड़ती है तो होली में होली होती है, सब लोग एक दूसरे का स्पर्श करते, उस दिन विधान भी है। हमारे यहां शास्त्रों में विधान है कि चांडाल स्पर्शे न दोष। देखिए कि हमारे यहां लिखा है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई लोग इनको नहीं छूते हैं, ये बात है। एक दिन बताया भी गया कि होली जलाने के बाद दूसरे दिन जो धूली वाली होली होती है, उस दिन सबको भेंटिए, हृदय से लगाइए, कुछ भी करिए, रंग लगाइए मन से प्रेम से, तो उसमें अगर सब सबको छू लिया है, सबको ही लोग हैं, तो नीच स्पर्श भी हो गया है तो कोई बात नहीं है। तो उसके बाद फिर यज्ञ स्नान होगा और फिर यज्ञोपवीत बदल लीजिएगा। उसमें तो ये भी कहा गया है कि उस दिन कोई अपशब्द इत्यादि भी कह दे, गाली देना है तो गाली देने के लिए भी एक समय बतला दिया गया है। हम निर्णय सिंधु से बोल रहे हैं कि होलिका जब जलती है तो उसके बाद, या वो जलाने के बाद वो सब जल रहा है, और उस समय बोले उस समय ये सब जो अश्लील शब्दों को बोलते हुए गाली वाली आपस में, ये सब देव है जो देते, तो बोले उस समय कोई दोष नहीं है। लिंग भगांग की तई ही शब्द ही, ये सब कहा गया है, लिंग भगांग के शब्दों का उच्चारण करते हुए ये सब जो है कहे, तो ये बात है। तो उसके बाद करने के बाद यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा, यज्ञोपवीत बदल है। या कोई कुत्ते से, सुअर से, अस्पृश्य से अगर आपका स्पर्श हो जाता है, मलमूत्र से स्पर्श हो जाता है, तो यज्ञोपवीत बदलने का विधान है। आप किसी के साथ, किसी कोई शव के साथ शवालंकार स्पर्श करते हैं, सबका अनुव्रजन करते हैं, या जो है शव स्पर्श करते हैं, या दहन करते हैं, बहन करते हैं, खनन करते हैं, तब भी आपको यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा। ये यज्ञोपवीत बदलने की स्थिति है। जैसे कोई यज्ञ इत्यादि करना है, कोई शुभ कर्म करना है, कोई अनुष्ठान करना है, कोई विशेष कार्य करना है, तो उससे पहले भी लिखा रहता है कि नूतन यज्ञोपवीत धारण करे। इस तरीके से नए वस्त्र इत्यादि पहनते हैं तो नए यज्ञोपवीत धारण। और देखिए और तो बात बताएं, यज्ञोपवीत तो अब ये जो डला है सो डला ही है, जब जो है श्मशान में ये शरीर जलेगा तो यज्ञोपवीत साथ में ही जलेगा, हटाना नहीं है। कई जगह पर मुर्दा से यज्ञोपवीत हटा देते लोग, ऐसे हटाना नहीं चाहिए। वो शब को, जो शब यज्ञोपवीतधारी शब है, पहले यज्ञ द्विज जाति का जो शब है, तो उस समय वो यज्ञोपवीत भी बदला जाता, शब को भी स्नान करा करके नए वस्त्र पहनावे, अलंकार करे, माला वाला पहनाते हैं, नहीं उस समय नूतन यज्ञोपवीत भी धारण करवाना चाहिए, ये भी लिखा है। तो ये यहां तक की व्यवस्था है, तब तब यज्ञोपवीत नूतन धारण करना चाहिए। आप लोग इसका स्मरण रखें, परिपालन करें, और यही शास्त्रों की आज्ञा है, यही वेदों का जो है निर्देशन है, हम सभी का है, इसका अवश्य ही परिपालन होना चाहिए। हर हर महादेव।